हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज चैप्टर 1 फिनिश कर लेंगे आईडी का, ठीक है जी? और फिनिश तो 10 ही मिनट में कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास एक टास्क है आपके लिए, वो खैर मैं बता दूंगा अभी आपको 10 मिनट के बाद, ठीक है जी? हाँ, ये सुन के थोड़ा सा होता है कुछ। अब वो खैर 10 मिनट में इसको तो खत्म करते हैं चैप्टर को। बेटा, अभी ना हम इस चैप्टर में ना काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के फीचर पढ़े, ऑन लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फीचर कम और लिमिटेशन ज्यादा थी। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर देखा हमने, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कल फॉरेन ट्रेड की भी बात कर ली, डेमोग्राफिक फैक्टर की भी बात कर ली, ठीक है ना? तो काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अभी इक्का दुक्का मुद्दा मेरे पास और रहता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर लो, ठीक है? एक तो वो रहता है मेरे पास मुद्दा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। इसके बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चैप्टर आप एक बार गो थ्रू कर लो, 15-20 मिनट लगाकर, आज और अभी, ठीक है ना? क्योंकि कल मैं बेटा इसके थोड़े से हैवी क्वेश्चन थ्रो करने वाला हूँ, ठीक है? 1 मार्कर्स भी डिस्कस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी के। तो बेटा ऐसा ना हो कि कल फंस जाओ। तो इसलिए बेटा आज के 20 मिनट का टास्क ये होगा कि आपको गो थ्रू करना एक बार सारा का सारा चैप्टर, ठीक है जी? हो सके तो हिंदी में समझा भी दो मेरे को। चाहे चलो बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। एक बार पढ़ना शुरू करो, इतना मुश्किल नहीं है चैप्टर। मैं एट वन गो आधे घंटे में समझा सकता हूँ पूरे चैप्टर में क्या हुआ, तो तुम भी समझा सकते हो। चलो पढ़ना फटाफट से। करें आगे चलो। सर बहुत छोटा सा टॉपिक है, टाइम फालतू खर्च नहीं करेंगे इसके ऊपर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पढ़ा आपने, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि है क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, समझते क्या हो? बड़ी मीन बात है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये टर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यही तो होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बेटा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर में इंडिया के 70-75% पॉपुलेशन एंगेज है, ठीक है जी? प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर कह लो, कुछ लोग इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग कह लो, क्या कितने परसेंट पॉपुलेशन? 10%। बेटा उसके बाद टर्शरी कह लो या सर्विस सेक्टर कह लो, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी कह सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी बोल सकते हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन? 15-20% पॉपुलेशन। एक चीज और मैं अभी आपको बता देता हूँ बेटा, एनसीईआरटी के अलावा कोई और स्टैट वैलिड नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट राइटर 72% लिखते हैं यहाँ पर। सर मैं नहीं मानता कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई भी ऐसा गलत पंगा लेना चाहिए। बेटा एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी स्टैट कोट मत करना गलत, ठीक है? वो अब मेरे पास ये स्टैट है, अगर बेटा मैं इससे आपको मतलब एनालिसिस कर दूं तो वो मेरे को लगता है ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ज्यादातर पेपर में एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना? स्किल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो तो स्टार्ट ये दे देते हैं आपको, आपको कहते हैं एनालाइज कर दो 3 नंबर में। तो एनालिसिस में क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहला पॉइंट ही लिखना अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बेटा अनबैलेंस्ड क्यों कह रहा हूं? ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। बेटा अगर सारे सेक्टर बराबर डेवलपमेंट करते ना तो मैं बोल देता बैलेंस ग्रोथ है, लेकिन ये कुछ बैलेंस है क्या? ये तो पलड़ा एक ही तरफ झुका पड़ा।
अगर आप 30-40-30 भी हो तो भी समझ में आता है बैलेंस है, आप 35-35-30 भी हो तब भी बैलेंस समझ में आता है। एक बारी को चलो चलो ऐसे भी है ना तो भी मैं बैलेंस बोल दूंगा, पर ये कैसा बैलेंस हुआ? 70-75% लोग एक ही तरफ एंगेज है, तो ये तो दिख रहा है कि बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ है बहुत। पहली हेडिंग समझ में आती है? फिर बेटा एक हेडिंग बना सकते हो, एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन इंडिया का विदाउट अ डाउट, 70-75% पॉपुलेशन एंगेज है। पर बेटा अगर मैं इसको डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करूं ना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यूएस में 2% पॉपुलेशन लगी हुई थी एग्रीकल्चर में। दो कहां 75, ठीक है ना। इंग्लैंड में भी 2%, जापान में 12%, और हम बाहर नहीं निकलने का नाम ले रहे। याद है बेटा जिस दिन हमने कहा था लिमिटेड अर्बनाइजेशन, तो मैंने कहा था रूरल इंडिया में कोई रहना गलत बात थोड़ी होती है। अगर 85% पॉपुलेशन रह रही, कोई गलत रह रही है? मैंने कहा था गलत ये है कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो बाय डिफॉल्ट एग्रीकल्चर में लगे हो गए, ये गलत है। क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से देखो तो उन्होंने एग्रीकल्चर में रहकर देश को डेवलप्ड नहीं किया, उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज होकर डेवलप किया। याद है बात करी थी? तो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में तो भैया बहुत बहुत ज्यादा, कहां 2% और कहां 75%, ठीक है जी। फिर बेटा एक हेडिंग बना सकते हो, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर एट द इन्फेंट स्टेज। बेटा इंडिया का सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर देखोगे ना, इन्फेंट स्टेज पे अभी जन्म ही ले रहा है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 10% लोग। डेवलप्ड नेशन की बात करो तो यूएस में 32% पॉपुलेशन, इंग्लैंड में 42% पॉपुलेशन, जापान में 38% पॉपुलेशन, रफ आइडिया बोलो तो 35% पॉपुलेशन सबकी सेकेंडरी सेक्टर में लगी हुई थी। सर वो इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि उन्होंने फोकस ही बेटा सिर्फ एक चीज को करा, अपने सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और अगर आपको याद हो तो चाइना ने भी बेटा इसी एक्सपीरियंस का यूज किया था डेवलप्ड होने में। चाइना हमारे से बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिपेंडेंस उसको 1949 में मिली है, लेकिन उसने जो यूज किया बेटा वो डेवलप्ड कंट्रीज का एक्सपीरियंस करा। सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको फोकस किया तभी वो डेवलप्ड हुई। चाइना ने भी सेम यूज किया, आज बहुत आगे है हमारे से। मानते हो ना बेटा इस बात को? तो वो ये कमी थी इंडिया की, अनबैलेंस ग्रोथ। एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एट द इन्फेंट स्टेज। तीन हेडिंग में सब कुछ खत्म। आगे बढ़े लास्ट टॉपिक की तरफ बेटा। चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करेंगे बेटा फटाफट से। ठीक है बेटा, ये ईयर याद रखना क्योंकि जब आप सर्च करते हो गूगल पे तो शायद वो 1851 दिखाता है, चलेगा नहीं। अगर एनसीईआरटी ने 1850 लिखा है, चेक भी सीबीएसई 1850 करता है, ठीक है जी। और अगर पूछा जाए फर्स्ट ब्रिज, फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो 1854 में हुआ था, ये भी कहीं लिखा हुआ है, बॉम्बे से थाने को लिंक करता हुआ, फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने इन 1854। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, यही वन मार्कर्स बनकर आ जाते हैं बस, कहीं कहीं कोने में छुपे होंगे, बस एग्जामिनर वही ढूंढता है,
ठीक है जी। तो रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ, वो 1850, फर्स्ट रेलवे ब्रिज 1854 लिंकिंग बॉम्बे विद थाने। ठीक है जी, पढ़ना बस आगे पढ़ते रहो। ठीक है, आगे बच्चे। वैसे उसके बाद कुछ है नहीं काम का, चलो पढ़ लो अभी, यहाँ तक डन करो इसको। इतना पढ़ा, मैं सोच रहा हूँ आगे ना ही पढ़ूँ। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन ध्यान रखने का, पढ़ लो फटाफट से। टाटा एयरलाइंस, ठीक है। चलो इतना सही पोर्शन है, पढ़ो फटाफट से निपटाओ इसको। ठीक है, देखो घूम फिर के ना चार चीजें तो आपको इंफ्रा में लिखनी ही लिखनी है। रोड्स डेवलप हुई, रेलवे डेवलप हुआ, पोर्ट्स भी डेवलप हुए और पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी डेवलप हुआ। पर बेटा चारों के बीच से इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स के खुद का था, आपका कोई वो इंटरेस्ट नहीं पूरा कर रहे थे। अगर मैं कहूँ बेटा रोड्स डेवलप हुई, तो बेटा टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट्स। उन्होंने रोड्स इसलिए डेवलप करी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक या पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। अगर पोर्ट्स डेवलप हुए तो किस लिए हुए बेटा, टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन और टू इंपोर्ट द फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन, वरना वो पोर्ट्स भी डेवलप करने वाले नहीं थे। अगर रेलवेज डेवलप हुई तो क्यों हुए, टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया के बेटा चप्पे चप्पे को कवर कर सके, गांव गांव को कवर कर सके वो। और पोस्ट और टेलीग्राफ अगर डेवलप हुए तो इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखना चाहते थे। वरना एक ब्रिटिश ऑफिसर दिल्ली में बैठा, दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर बॉम्बे में बैठा है, अगर मैसेज भेजना तो जाएगा कैसे। तो अगर पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप ना करते तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कभी अच्छा नहीं होता, लोग मार पीट के भगा देते उनको, ठीक है ना जी। तो उन्होंने जो भी डेवलप किया बेटा अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए किया, किसी हाल में भी किसी इंडियन का कोई इंटरेस्ट अचीव नहीं हुआ उससे। ठीक है, बात समझ में आती है पक्का से। एक ना रेलवे वाली बात आई थी, कल मैं पढ़वाऊंगा जरूर आपको ये दोबारा बात, अगर आपने पढ़ा हो बेटा। रेलवे ने क्या करा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बैरियर ब्रेक करे थे, है ना, ये पढ़ा था ना आपने, ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर तोड़ दिए थे। रेलवे की वजह से ज्योग्राफिकल बैरियर लगता कहाँ था, कहाँ बैलगाड़ियों पे सफर करना, जहां बेटा 30-40 किलोमीटर दिन में ट्रेवल करना, कहाँ रेलवे उसको कवर कर लेती है 1 घंटे में। 1 घंटा भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर मैं उस टाइम पर मानूं कि रेलवे इतनी एफिशिएंट नहीं होगी तब मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ। तो सर ज्योग्राफिकल बैरियर तो बचे ही नहीं, आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो, ठीक है ना, JNK टू कन्याकुमारी कोई ज्योग्राफिकल बैरियर ही नहीं है, ठीक है ना जी। और लेकिन इससे परेशानी जरूर खड़ी होगी थी, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, इससे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत प्रमोट हुआ था, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी खतरे में आ गई थी बेटा। पढ़ा है आपने ये पॉइंट ढंग से,
ये पढ़ा था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। बाबू कैसे खतरे में आ गई? देखो मैं बात बताता हूँ, मान लो एक विलेज में जितनी क्रॉप होती है, जितनी भी क्रॉप पैदा होती है, वो सारे बेटा पहले विलेजर्स खा जाते थे। तो कोई भी विलेज था, कोई भी विलेज इकोनॉमी थी, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी, जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी उनकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन अगर रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तो लोगों को लगा कि यार ज्योग्राफिकल बैरियर तो है नहीं, हमारे यहाँ सस्ता दाम है, वहां महंगा मिल रहा है, चल ट्रेन पे रखता हूँ सामान, चल भाई बाहर बेचा है। अब तू तो बाहर बेच आया लेकिन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट तो उतनी है विलेज इकोनॉमी की, सेल्फ सफिशिएंसी खतरे में नहीं आ गए? पहले हम सेल्फ सफिशिएंट थे, पूरा विलेज सेल्फ सफिशिएंट था, जितना विलेज में प्रोड्यूस होता था उतना ही कंज्यूम करते थे, किसी से मांगते नहीं थे बाहर, किसी से खरीदते नहीं थे। लेकिन अगर आप बाहर बेच आए हो तो बेटा अब तो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी खतरे में आ गई, अब तो हमें भी खरीद के खाना पड़ेगा। तो ये दिक्कतें होने लगी थी रेलवे की वजह से। ठीक है जी, बात समझ में आती है? रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।